दोस्तों, अगर आप एक भारत गैस यूज़र हैं तो आपके लिए भारत गैस की लॉगिन आईडी और उसके पासवर्ड को क्रिएट करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि तो दोस्तों इसकी मदद से ही आप पता लगा पाएंगे कि आपकी भारत गैस की सब्सिडी आपके बैंक अकाउंट में आ रही है या फिर नहीं आ रही है, और अगर आपकी सब्सिडी बैंक अकाउंट में आ रही है तो वो कितनी आ रही है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बहुत ही सरल और आसान तरीके से बताया है कि कैसे आप भारत गैस की लॉगिन आईडी और उसके पासवर्ड को क्रिएट कर सकते हैं। इसलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक ध्यान से देखिए और जिस तरह से मैंने स्टेप्स बताए हैं बस उस स्टेप्स को आप फॉलो कर लीजिए तो आप भी अपने भारत गैस की लॉगिन आईडी और पासवर्ड को क्रिएट कर सकते हैं, साथ ही भारत गैस की सब्सिडी चेक करने के अलावा और भी बहुत सारे बेनिफिट्स ले सकते हैं। सबसे पहले आपको अपने मोबाइल में गूगल क्रोम को ओपन कर लेना है। उसके बाद दोस्तों, यहाँ पर आपको माई एलपीजी टाइप करके सर्च कर देना है। पहले पेज पर ही वेबसाइट का लिंक आ जाएगा, तो यहाँ पर आपको क्लिक करना है। मैं इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, तो आप वहाँ से भी इस पर जा सकते हैं। उसके बाद दोस्तों, यहाँ पर जो भारत गैस का सिलेंडर बन के आ रहा है इस पर आपको करना होगा क्लिक। यहाँ पर कुछ इस तरह से पेज ओपन हो जाएगा, तो यहाँ पर हमें ऊपर की तरफ न्यू यूजर का ऑप्शन आ रहा है, तो यहाँ पर हमें करना होगा क्लिक। दोस्तों, अब यहाँ से आपको बहुत ही ध्यान से समझना है। दोस्तों, यहाँ पर हमें अपना कंज्यूमर नंबर डालना है। ये कंज्यूमर नंबर आपकी भारत गैस की पर्ची पर भी मिल जाएगा और आपकी भारत गैस की जो बुक होगी उसमें भी पहले पेज पर आपको मिल जाएगा। दोस्तों, यहाँ पर जो दूसरा ऑप्शन है, यहाँ पर हमें रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर डालना है। ये रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर आपकी गैस एजेंसी में जुड़ा हुआ होना चाहिए। अगर ये रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर आपका बंद हो गया है, खो गया है या फिर गुम हो गया है तो इसको भी आप चेंज कर लीजिए। इससे रिलेटेड मैंने वीडियो बना रखी है, इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको मैं दे दूंगा, तो वहां से भी आप उस पर जाकर सबसे पहले अपने भारत गैस एजेंसी में मोबाइल नंबर को चेंज कर लीजिए ऑनलाइन घर बैठे। दोस्तों, कंज्यूमर नंबर और रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर डालने के बाद हम करेंगे कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि गैस का कनेक्शन जिसके नाम पर है उसका नाम यहाँ पर शो होगा और हमें क्लिक हियर टू जनरेट ओटीपी के ऑप्शन पर करना होगा क्लिक। चलिए हम इस पर कर देते हैं क्लिक। क्लिक करने के बाद दोस्तों, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर आ चुका है एक ओटीपी। उसके बाद दोस्तों, हम ओके पर कर देंगे यहाँ पर क्लिक। उसके बाद दोस्तों, हम यहाँ पर अपना ओटीपी डालेंगे। ओटीपी डालने के बाद दोस्तों, हम कंटिन्यू के ऑप्शन पर कर देंगे क्लिक। अब दोस्तों, यहाँ से आपको बहुत ही ध्यान से समझना है, तो सबसे पहले बॉक्स में आपको लॉगिन आईडी क्रिएट करना है और लॉगिन आईडी क्रिएट करने के लिए कुछ नियम बताए गए हैं, तो उस नियम को आप पहले समझ लीजिए। लॉगिन आईडी आपका 6 से लेकर 30 कैरेक्टर का होना चाहिए और उसमें अंक होने चाहिए और कुछ अल्फाबेट होने चाहिए ए से लेकर जेड के बीच के, और कोई स्पेशल कैरेक्टर वहाँ पर नहीं होना चाहिए जैसे कि हैश या फिर स्टार वगैरह। एग्जाम्पल के लिए आप देख सकते हैं अल्फाबेट्स में मैंने भारत गैस लिखा, उसके बाद कुछ अंक 890, उसके बाद फिर से मैंने कुछ अल्फाबेट्स एलपीजी आईडी लिख के क्रिएट किया। अब दोस्तों, आपको बहुत ही ध्यान से समझना है कि आपको पासवर्ड क्रिएट करते समय किन बातों का ध्यान रखना है। पासवर्ड आपका दोस्तों 8 से 14 कैरेक्टर का होना चाहिए, ना इससे छोटा ना इससे बड़ा। कोई भी एक अल्फाबेट कैपिटल होना चाहिए, कोई भी एक अल्फाबेट स्मॉल कैरेक्टर का होना चाहिए, कोई भी एक गणित का अंक वहाँ पर होना चाहिए, कोई एक स्पेशल कैरेक्टर का सिंबल वहाँ पर आपके पासवर्ड में होना चाहिए, @ हैश या फिर स्टार वगैरह। और दोस्तों, अगर आपने पहले भी लॉगिन आईडी क्रिएट की थी और पासवर्ड बनाया था तो ये वाला पासवर्ड आपके पिछले 3 पासवर्ड से अलग होना चाहिए। लॉगिन आईडी और पासवर्ड टाइप करने के बाद और उसी टाइप पासवर्ड को रीटाइप करने के बाद हम कंटिन्यू पर कर देंगे क्लिक। और दोस्तों, रजिस्ट्रेशन कंप्लीटेड सक्सेसफुली का मैसेज यहाँ पर इस तरह से आ जाएगा। तो देखा दोस्तों कि कितनी आसानी से आप अपनी भारत गैस की लॉगिन आईडी को क्रिएट कर सकते हैं और उसके पासवर्ड को क्रिएट कर सकते हैं। दोस्तों, इसकी अगली वीडियो में बताऊंगा कि कैसे आप भारत गैस की सब्सिडी को ऑनलाइन चेक कर सकते हैं। इसलिए दोस्तों, अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए, बगल वाले बेल आइकन को कर दीजिए प्रेस, ताकि आने वाली हमारी किसी भी यूजफुल वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों से छूटे ना। और दोस्तों, इस वीडियो को लाइक करना और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ और नए काम की जानकारी के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।